मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। नवंबर 17 तारीख मंगलवार प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 1 और 2। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, मत्ती की इंजील 7वां बाप उसका 1 और 2 वचन। एबजोई ना करो कि तुम्हारी भी एबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम एबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी एबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। दूसरों की गलती बताना, दूसरों का न्याय करना इंसान का स्वभाव है। सही हो या गलत हो, यदि हम उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, हर कोई दूसरों के विषय में या घटनाओं के विषय में अपना फैसला सुनाने में लगा रहता है, और हम सब इसके दोषी हैं कि कितने बार हमारे फैसले गलत निकले, क्योंकि तथ्य जो बातें हमारे सामने थी वो सच नहीं बता रही थी, बाद में ना हमें सत्य मालूम चला। हम बाहर की चीजों को देखते हुए फैसला सुनाने में उत्सुक रहते हैं, इसलिए हम कभी भी इंसान के फैसलों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का फैसला हमसे बहुत अलग है। परमेश्वर सर्वज्ञानी सिर्फ नहीं, वो लोगों के अंदर के विचारों को और भविष्य को भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए केवल परमेश्वर का ही फैसला बिल्कुल सिद्ध है, उसमें कोई व्यक्ति कभी गलती नहीं ढूंढ सकता। केवल परमेश्वर ही निष्पक्ष है और वो ही सच्चा न्यायी है। लेकिन हमें इधर प्रभु की बातों को सही तरीके से हमें समझना है। इधर प्रभु ये नहीं कह रहे कि हमने सही और गलत से दूर रहना है, हमें सही और गलत को पहचानना है। और प्रभु ने ये नहीं कहा कि गलत को देखते हमने अपनी आंखें बंद करनी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है ताकि हम भलाई और बुराई को पहचाने, और हमने विवेक की आवाज को सुनकर भलाई के लिए खड़े होना है और बुराई के विरोध खड़े होना है। परमेश्वर ने हमें पहचानने की वो खूबी दी तो है, लेकिन दूसरों के ऊपर सजा सुनाने का हमें किसी को आजादी नहीं दिया। न्याय करने का काम केवल परमेश्वर का ही है। एक व्यक्ति को ठीक करना है तो, उसको ताड़ना देना है तो आपको उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना है, तभी जाकर आप उसको परमेश्वर की नजर में सही तरीके से उठा सकेंगे। लेकिन कई बार हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाते हैं और हम अपनी भावनाओं में आकर हम उस व्यक्ति के ऊपर फैसला सुना देते हैं और कभी भी उसको हौसला नहीं देंगे, लेकिन उनके भावनाओं को दुख पहुंचाएंगे। ध्यान रखे, केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है, केवल परमेश्वर ही देखभाल करता है, और इसलिए परमेश्वर को ही न्याय करने का हक भी है। उस घटना को देखें जहां फरीसी उस वेश्या स्त्री को यीशु प्रभु यीशु के सामने लाए, उनके फैसले के अनुसार स्त्री को पथरवा कर जान से मारना है। लेकिन प्रभु यीशु ने उस घटना को कैसे सामना किया? प्रभु यीशु ने उस वेश्या को साफ साफ कहा, आगे से पाप मत करना, साफ साफ उससे कहा। लेकिन उसी समय उस वेश्या को नया जीवन भी दिया और उस अनंत काल के न्याय से छुड़ाया। फरीसियों के न्याय को जो उसकी नाश के लिए था, प्रभु ने, प्रेमी उद्धारकर्ता ने स्वीकार नहीं किया। कई बार हम दूसरों का न्याय सबूतों के आधार पर करते हैं, लेकिन ध्यान रखे, कई बार सबूत सच नहीं बोलते। यूसुफ का जीवन देखे, फोतीफोर की बीबी के पास उसका अंगरखा है, लोगों के सामने उस पर आरोप लगाया गया है, लेकिन लोगों का फैसला परमेश्वर की नजर में गलत है। जब हम दूसरों का न्याय करते हैं, ध्यान रखें,
परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। जिस नाप से हम दूसरों को नापते उसी नाप से परमेश्वर हमें भी नापेगा। यहां पर हम देखते हैं नीचे के आयत में, दोनों व्यक्ति एक के आंख में तिनका और दूसरे के आंख में लट्ठा, दोनों को साफ नहीं दिख रही है लेकिन एक दूसरे का न्याय करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्टैंडर्ड दर्जे तक हम पहुंचे नहीं हैं। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है और ये बात को हम आखिरी तक याद रखें। हमारा ये सोच रहे कि हमने दूसरों को उठाना है, उनका न्याय नहीं करना और उनको दूसरों के सामने नीचे नहीं करना, लेकिन उन्हें अपने भाई समझकर उन्हें प्यार करना है और उसी समय गलती बोलने का दिलेरी के साथ गलती भी बताना है, सच्चाई के लिए खड़े होना है। आइए हम अपने आप को नम्र करें, क्योंकि हमें अभी और सिद्धता तक कितना बढ़ना है। हमारी बातें दूसरों को हौसला दें और लोगों को पहचान कराए कि सही क्या है, गलत क्या है, और उनके जीवन की यात्रा में हौसला दे। प्रभु इसके लिए हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। प्रभु जब आपने हम पर कृपा किया, हम भी जब दूसरों को देखते हैं प्रभु उस दृष्टि से देखने के लिए मदद करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को हम उठा सकें। दुनिया की तरह जल्दी किसी का फैसला सुनाने का हमें हक नहीं है प्रभु, केवल आप ही उसके लिए लायक हैं। प्रभु आज का दिन हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, आइए हम इन दिनों में प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन दूसरों के आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा।